हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज भारत जिस भी हालात में है उसके जिम्मेदार पहले तो विदेशी आक्रमणकारी और दूसरे अंग्रेज है जिन्होंने 200 सालों तक भारत को लूटा था। आज हम उस आदमी के बारे में जानेंगे जिसने भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 को हुआ था। 1744 में क्लाइव पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बनकर ब्रिटेन से बंबई के लिए रवाना हुआ था। उस समय जहाज से भारत आने के लिए 1 साल लग जाता था। इस 1 साल की यात्रा के दौरान क्लाइव ने पुर्तगाली भाषा सीख ली। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी जिससे साम्राज्य कमजोर हो चुका था। उस समय फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन जैसे कई देशों की बुरी नजर भारत पर थी। क्लाइव चालाक और अति क्रूर किस्म का इंसान था। भारत में आते ही उसने अपनी कुछ चाले चले जिसमें वो कामयाब रहा, जिनकी वजह से वो अपने सीनियर की नजर में आ गया और ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी पहचान मिली बंगाल में। उस समय बंगाल पर नवाब सिराज उद्दौला का कब्जा था, लेकिन मीर जाफर जो कि उस वक्त नवाब का सेनापति था उसने गद्दारी और चालाकी से नवाब को अंग्रेजों के हाथों हरवा दिया। मीर जाफर और क्लाइव के बीच समझौता हुआ। 21 जनवरी 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला और क्लाइव की सेनाएं आमने सामने थी। इस पूरे युद्ध में नवाब की बड़ी फौज अंग्रेजों पर भारी थी, लेकिन मीर जाफर जैसा गद्दार जिसके साथ हो उसका तो हारना तय है। नवाब की हार के 2 कारण बने, एक तो खराब मौसम और बारिश जिसकी वजह से नवाब की तोपों का बारूद खराब हो गया, और दूसरा मीर जाफर जिसने जंग में हिस्सा नहीं लिया। इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल में कब्जा दिला दिया, जिसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में भी रॉबर्ट क्लाइव की चालाकी और धोखेबाजी ने जीत दिलाई। धीरे धीरे क्लाइव ने जितने भी कमजोर शासक थे उनको साधना शुरू किया। इलाहाबाद की संधि में भी क्लाइव की छल कपट की नीति काम आई। उस समय बंगाल ब्रिटेन से भी अमीर हुआ करता था और क्लाइव ने उसे लूट कर खूब दौलत कमाई। जब क्लाइव ब्रिटेन लौटा उस समय वह पूरे यूरोप का सबसे अमीर इंसान बन गया। भारत को बर्बाद करने में क्लाइव का सबसे बड़ा हाथ था। उसकी चालाक नीतियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों पर भी अपनी जगह बनाई। उसने बहुत अत्याचार किए, लोगों को गुलाम बनाकर रखा, ऊंचे टैक्स लगाए, कृषि की ऐसी नीतियां बनाई जिससे किसान बर्बाद हो गए। उस पर 1 करोड़ लोगों की हत्या का आरोप भी है, क्योंकि 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रभावित इलाके के 1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए, लेकिन क्लाइव ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जब रॉबर्ट क्लाइव रिटायर होकर ब्रिटेन वापस चला गया तो उसे ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े। जितना जुल्मों सितम उसने भारत पर किया था उतना ही दुखद अंत उसका हुआ। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। आज भी इतिहास में रॉबर्ट क्लाइव का नाम बेहद क्रूर, पत्थर दिल, अत्याचारी, तुनक मिजाज और साइकोपैथ के रूप में दर्ज है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।